हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। मैं अमन गुप्ता, इंदिरा सिक्योरिटीज से आप सभी का स्वागत करता हूं ऑप्शन कनेक्शन के एक और नए एपिसोड में। फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी ऑप्शन टर्मिनोलॉजीज के बारे में। अगर आप किसी ने भी ये एपिसोड नहीं देखा हो ऑप्शन टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड, तो जाकर के नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और ये एपिसोड को ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, ऑप्शन कनेक्शन में हमने बेसिक स्ट्रेटजीज ऑप्शन टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे एडवांस्ड स्ट्रेटजीज के लिए। एडवांस स्ट्रैटेजीज में सबसे पहली स्ट्रैटेजी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कवर्ड कॉल। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे कवर्ड कॉल के बारे में। कवर्ड कॉल ऑप्शन एडवांस स्ट्रैटेजीज की बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है जो कि एक रेगुलर इनकम जनरेट करके दे सकती है आपको। दोस्तों, इसमें हमें एक न्यूट्रल टू मॉडरेटली बुलिश स्टॉक को बाय करना है और उसके ही कॉल को शॉर्ट करना है। मतलब मान लीजिए, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर कोई भी स्टॉक है जिसका स्ट्राइक प्राइस 100 रुपीज का है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं वो स्टॉक को बाय करूंगा जो कि 100 रुपए पे चल रहा है स्पॉट प्राइस, और उसका 110 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा, अगर वो स्टॉक न्यूट्रल टू माइल्डली बुलिश है तो मतलब कि वो ज्यादा अपसाइड मूव नहीं आएगा उसमें, और जब उसमें अपसाइड मूव नहीं आएगा तो उसकी कॉल की जो प्रीमियम है वो हमें रिसीव जो होगी वो गल जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी टिल दी एक्सपायरी। तो दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी में आपको एक स्टॉक बाय करना है और उसका ही कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना है, और कॉल ऑप्शन जो आप शॉर्ट करोगे उसकी प्रीमियम आपको रिसीव होगी, और जो प्रीमियम आपको रिसीव होगी वही आपका प्रॉफिट होगा। दोस्तों, बात करते हैं रिस्क की। इस स्ट्रैटेजी में रिस्क अपसाइड तो रिस्ट्रिक्टेड है, बट डाउनसाइड रिस्क है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आपका कोई स्टॉक जीरो ना हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों, इसलिए इसमें रिस्क बहुत ही कम है। ये बहुत ही रेगुलर इनकम जनरेटिंग स्ट्रैटेजी है। अब इसमें रिवॉर्ड क्या है, रिवॉर्ड है आपका जो स्ट्राइक प्राइस माइनस दी आपका स्पॉट प्राइस प्लस द प्रीमियम। मतलब जो प्रीमियम आपको रिसीव हो रहा है वो ही आपका इसमें प्रॉफिट है, और प्रीमियम रिसीव कब होगा, जब ये न्यूट्रल रहेगा या माइल्डली बुलिश होगा स्टॉक, जिसमें कॉल की प्राइस जीरो हो जाएगी एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। दोस्तों, हम बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स की। ब्रेक इवन पॉइंट है जो आपने स्टॉक का प्राइस माइनस द प्रीमियम यू रिसीव्ड, मतलब जो स्टॉक आपने बाय किया है उसका प्राइस माइनस जो प्रीमियम आपने रिसीव की है, वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। दोस्तों, आगे जाकर हम इसी स्ट्रेटजी को एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक बाय कर रखा है जिसका प्राइस है 3850 रुपीस, उसी का ही आपने कॉल ऑप्शन 4000 का जो कॉल ऑप्शन है जिसका प्रीमियम 80 रुपीस है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस चार्ट में, वो आपने शॉर्ट कर रखी है। तो मतलब कि अगर आपका स्टॉक 3800 से 4000 के बीच में रहता है, तो ये 80 रुपीज़ की जो प्रीमियम है कॉल ऑप्शन की, ये जो आपने रिसीव की है, ये जीरो हो जाएगी टिल दी एंड और टिल दी एक्सपायरी। दोस्तों, इसमें ब्रेक इवन पॉइंट आपका होगा 3770, क्योंकि स्टॉक प्राइस माइनस दी प्रीमियम यू रिसीव्ड, मतलब 3850 में से अगर मैं 80 रुपीज़ की प्रीमियम मुझे मिलती है, तो मतलब मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो होगा 3770। दोस्तों, जैसे कि इस चार्ट में आप देख पा रहे हैं, ये चार्ट में हमारे को 3770 तक तो जीरो रुपीज़ का प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, बट अगर इससे ऊपर हम लोग जाते हैं तो हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट है, और अगर नीचे जाते हैं तो एक लॉस हमारा जनरेट होगा। लेकिन चूंकि हमने डिस्कस किया है कि ये स्ट्रेटजी न्यूट्रल टू माइंडली बुलिश हमारे व्यू के लिए है, तो हमें ये स्ट्रेटजी तभी इंप्लीमेंट करनी चाहिए, तभी हमारी रेगुलर इनकम जनरेट होगी, जब आपका व्यू किसी भी स्टॉक को लेकर के या किसी भी इंडेक्स को लेकर के माइंडली बुलिश हो या न्यूट्रल हो। तो दोस्तों, जैसे हमने देखा कि इस स्ट्रेटजीज में कैसे हम लोग रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, दोस्तों ये स्ट्रेटजी सिर्फ तभी हम लोग यूज कर सकते हैं जब हमारा व्यू न्यूट्रल टू माइंडली बुलिश हो। और हमें ये रेगुलर इनकम कैसे जनरेट करके देगा कि हमें जो कॉल की प्रीमियम है वो अगर पूरी हमें मिलती है, तो वो हमारी एक रेगुलर इनकम होगी जो हम इस स्ट्रेटजी से जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।